वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग आए हैं बाहर, आज आए हैं डिनर करने के लिए स्पेशल। और आज है 11 तारीख यानी कि हमारी एनिवर्सरी। डिनर करने आए हैं हम लोग बारबेक्यू में। टेबल का जो बुकिंग टाइम था वो 7:30 बजे से है और हम लोग आ रहे हैं 8:30 बजे आ रहे हैं, और 7:30 से 8:30 बजे के बीच का था। बट कोई नहीं, जाके देखते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। डिनर ही तो करना है, जाके कर लेंगे, कोई नहीं। सो चलिए चलते हैं डिनर करने के लिए। चलो, बंद तो नहीं है। गाइस, हमारा बारबेक्यू वाला जो प्लान था ना वो फ्लॉप हो गया है। अभी हम आए पंजाब ग्रिल में, एक बार और आए हुए थे वहाँ का, मतलब आप अगर फीडबैक देना चाहें ना तो बिल्कुल कुछ भी ना दें। फैसिलिटी, बिहेवियर और जो मैनेजमेंट है सब वर्स्ट। गए अंदर वहाँ पे इतनी जाए तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था। तो हम लोग फिर इधर ही ना एक और रेस्टोरेंट था पंजाब ग्रिल में, वहीं आ गए हम लोग खाने के लिए। हम लोग सोचा कि यहीं पे खा लेते हैं, अब कहाँ ज़्यादा भटकना, खाने का टाइम भी हो गया है, यहीं खाएंगे। और अभी हमने ऑर्डर भी दे दिया है, अब थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। देखो, आपको ब्रांच के लिए हमने स्मूदी ऑर्डर की थी। तो हमारा पनीर आ गया है, रोटी एंड नान, ये चिली पराठा, वो वैसी वाली हाथी के दांत, खाने के कुछ दिखाने के कुछ ऐसे इसके साथ में कि बर्तन बड़ा दिख रहा है बट सब्जी उसमें कम है। हमारा खाना हो गया है, ये देखो अभी ये खा रहे हैं। रुद्रांश को खेल लिए पकड़ा पकड़ा ही पापा के साथ में, अभी मेरे साथ खेल लिया है, अब पापा के साथ खेल लिए। भागो जल्दी, पापा पकड़ लेंगे, भागो। पकड़ लिया, हाँ पापा रन। ये लेके आया अपने लिए कुल्फी, केसर पिस्ता, दोनों पापा बेटे ने खा ली। ये देखो, मुझे पूछा भी नहीं है। नजरे यहाँ नहीं गई, नहीं तो अभी इसकी भी डिमांड होगी, अभी आइसक्रीम खाने में बिजी है। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर, खाना हो गया हमारा, आइसक्रीम भी खा ली रुद्रांश ने और थोड़ा सा मस्ती भी कर ली हम लोगों ने खाना खाने के बाद। आप लोगों ने ढेर सारी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, ढेर सारे हमें कमेंट्स आए हुए थे मैरिज एनिवर्सरी के, सबके लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, पर्स ये थक गए हैं, बोल रहे हैं मुझे नींद आ रही है। ये वैसे तो सोते हैं 12-1 बजे काम करते हैं और आज ये मुझे बाहर लेके आए ना, तो इसलिए मेरे से बोल रहे हैं कि नींद आ रही है। आज हमारा ना मूड खराब हो गया, सच बताया ना, एनिवर्सरी वाले दिन भी, क्योंकि हम लोग इतना दूर से चल के आ रहे हैं, सबसे लास्ट में लगी हुई हमारी गाड़ी पार्किंग में, फाइनली मिल गई गाड़ी, बैठते हैं अब चलते हैं घर। रेंट हो गया, आपको कुतुब मीनार की लाइट सुंदर सुंदर दिख रहा है, कुतुब मीनार क्या जा रहा, कूलर ही तो जा रहा है, स्माइल ले रहा है वो, देखो। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, इसको बहुत प्यास लगी है, हाथ में बॉटल लिए हुए हैं और बहुत प्यास लगी है। इयररिंग्स अच्छी लग रही, इयररिंग्स अच्छी लग रही है। आज पता है हमारे क्या, हमारे साथ क्या हुआ है। तो आज हमने 7:30 बजे की बारबेक्यू में बुकिंग की थी, बट हम लोग जब वहाँ पहुँचे ना 8 बजे, इतना ज़्यादा भीड़ था तो हमारा मन भी नहीं हुआ और हमारी शायद पता नहीं वहाँ बुकिंग भी नहीं हो पाई थी, वेट बहुत थी, वेट नहीं कर सकते थे। हाँ, और वो फिर हम इतना वेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम फिर वहाँ गए 8 बजे। मैं आपकी इयररिंग्स डाल दूँ,
हाँ अभी हम निकालेंगे। फिर वहाँ पे ना 8:30 बज गए थे, फिर हम क्या करते ये बोलते दूसरे बारबेक्यू चलते, मैंने कहा नहीं दूसरे नहीं चलते, मैंने कहा यहीं पे कहीं खा लेंगे। फिर हम पंजाब ग्रिल गए तो वहाँ जाके हम लोगों ने खाना खाया। आज हमने जो जो प्लान किया था वो कुछ भी नहीं हो पाया। आज मैंने जो जो सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी जो प्लान किया था वो कुछ भी नहीं। सोचा था बारबेक्यू जाएंगे, वहीं पे डिनर करेंगे, वहीं पे केक कटेंगे, वो भी नहीं हो पाया। सोचा मतलब हम लोग जब पंजाब ग्रिल से निकलेंगे डिनर करके तो फिर उसके बाद केक लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। मतलब जो सोचा था कुछ भी नहीं हो पाया। रुदान को सोचा था केक खिलाएंगे बट वो भी नहीं हो पाया है। आज का दिन हमारा थोड़ा ऐसा ही रहा। आपको हैप्पी बर्थडे बहुत लेट आता है, नवंबर में आता है। हमारी शादी का होगा 7 ईयर कम्प्लीट। कैसा रहा आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस? मैं जो शादी कर चुका है वो सब जान चुका हूँ। अच्छा, इतना खराब रहा आपका एक्सपीरियंस? मैंने खराब का बोला ही नहीं, मैंने बोला जो जो जी चुके हैं। लड़ाई झगड़े प्यार गुस्सा प्यार प्यार व्यार कुछ नहीं रहा, लड़ाई झगड़े रहते हैं। योर ट्रेजर, आई फाउंड सम ट्रेजर, हियर इट इज। तो हम बहुत जल्द कुछ अच्छा सा शेयर करेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। गाइस, आज का हमारा डे कुछ ऐसा रहा। आज मिस्टर जी के संग में हमने रील्स बनाई एंड मैंने भी बनाई, इन्होंने भी बनाई, तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी देखने के लिए। सो वहाँ जाइए एंड मुझे फॉलो कीजिए एंड अपने वहाँ पे भी ढेर सारा प्यार दीजिए जैसा आप लोग मुझे यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इस वीडियो का एंड बाय बाय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।